हमारी डेली लाइफ की रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस को अब देखने वाले हैं हैं ठीक है है आपके चारों तरफ केमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं। उसमें से कुछ एक एग्जांपल्स जो है, हम यहां पे देखेंगे कि कौन से ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिकली बहुत इजीली ऑब्जर्व हो सकते हैं पहला तो ये सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम जो दूध होता है मिल्क होता है उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे समर्स में भाई हमारे यहाँ तो समर भी बहुत ही खतरनाक वाली होती है चालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री सेल्सियस कुछ कुछ जगह पे तो पचास डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है आपने देखा होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम दूध को बाहर छोड़ दें कुछ एक घंटे जो है दिन के टाइम में तो दूध में कुछ अजीब सा हो जाता है खट्टा खट्टा सा स्वाद हो जाता है ये आपने सबने तो एक्सपीरियंस किया होगा एक तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है मान लो अभी सुबह है अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मा ने घर पे गरम गरम करके दूध रखा ही है पर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है और गलती से ये दूध फ्रिज में ना रख के बाहर छूट गया और धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई गर्मी बढ़ गई तो ये जो दूध है आप देखोगे कि ये फटने लग जाता है ठीक है इसमें एक येलोइश येलोइश टाइप की ऐसी कुछ लेयर बन जाती है है ना और अगर आप इस दूध को स्वाद चख लिया आपने गलती से तो फिर आप अगली बार दूध नहीं पीने वाले बड़ा ही ऑफ सा टेस्ट एक अजीब सा टेस्ट मुंह में आ जाता है अगर हम इस दूध को चखते हैं दूध को फटना भी बोला जाता है इस केस में तो यहां पे होता क्या है एक्चुअली कि भाई दूध के अंदर एक रिएक्शन हो जाता है जिससे जो एक्चुअली में दूध का कंपोजिशन है जो दूध के अंदर जो केमिकल्स हैं उसमें कुछ कुछ रिएक्शन होके दूध का कंपोजिशन चेंज हो जाता है जिससे कि उसमें थोड़ा सा कुछ ऑफ वाइट येलो सा कलर हो जाता है एक तो और उसका स्वाद बदल जाता है तो यहां पे समझने की बात यह है कि हमने इनिशियली दूध से शुरू किया था हम गलती से लापरवाही के चक्कर में जो कि हम बहुत बार करते हैं दूध को जो है कहां पर रखना भूल गए फ्रिज के अंदर रखना भूल गए हमने सुबह सुबह दूध पिया और जल्दी जल्दी में खेलने कूदने की या किसी काम की पढ़ाई के चक्कर में चले गए और दूध बाहर रहेगा दूध क्या होता है फट जाता है इस फटे हुए दूध में क्या हुआ कि कुछ चेंज हो गया यहां पर जो हमारी थीम है वो यही है कि जो दूध पहले था फटने से पहले वाला दूध जो था वो अलग था और फटने के बाद वाला जो दूध है वो अलग है दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन uh, हम इसको बोल सकते हैं या दोनों के अंदर जो केमिकल्स है वो अब थोड़े से बदल गए हैं तो यहां पे हमने क्या देखा कि एक चेंज हुआ जो पहले हमने सब्सटेंस लिया था वो बदल के किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया ये पहला बहुत ही कॉमन लाइफ एग्जाम्पल आपका हुआ दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल है कि जो हमारे लोहे के सामान होते हैं फिर वह चाहे लोहे का तवा हो चाहे पैन हो चाहे नेल हो मतलब कील हो अगर आपने उसको एक्सपोज छोड़ दिया ह्यूमिड एटमोस्फेयर में एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं मेरे हाथ में ये कील है ठीक है अब ये जो ये जो आयरन का नेल है जब मैंने इसको लगाया था भाई किसी कारण से इसको मैंने दीवार में ठोका था ठीक है जब हमने इनको लगाया भाई को तो ये एकदम बढ़िया एकदम सिल्वर 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 थे

कॉमन सी एक हमारी ऑब्जर्वेशन है जो कूलर होता है कूलर का टैंक होता है उसको सबसे पहले आते ही क्या करते हैं भाई सब बोलते हैं कि इस पर पेंट कर दो तो। और अगर आपने पेंट नहीं किया तो क्या होता है कि वो भी पूरा लाल लाल हो जाता है ऐसे कुछ कुछ उसमें से पपड़ियां निकलने लगती है जिसको बोला जाता है जंग लग गया जंग लगना एक बहुत ही कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस है ठीक है तो एक्चुअली जब जंग लगता है तो जंग लगने से पहले तो ये आयरन है क्या है ये जंग लगने से पहले आयरन पर जब इस पर एक लाल लाल कोटिंग हो गई है ये ब्राउन लाल मतलब ब्राउन रेड कलर का हो गया है बाहर से तो अब ये जो बाहर की चीज है जो ब्राउन और रेड है ये इट इज नो लॉन्गर आयरन ओनली इसमें सिर्फ आयरन नहीं आयरन के अलावा भी कुछ है तो पूरा का पूरा सबस्टैंस ही चेंज हो गया है अब मैं इसको आयरन नहीं बोल सकता अब मुझे इसे किसी और नाम से बुलाना पड़ेगा ठीक है तो यहां पे भी केमिकली कुछ चेंज आया है किसकी बात करो देखो फिर से ध्यान से समझो और पकड़ो किसकी बात कर रहा हूं चेंज की बात कर रहा हूं केमिकल यहां पे कुछ चेंज आया ये भी एक बहुत ही कॉमन लाइफ सीन है ठीक है गार्डन वगैरह में चेयर लगी होती है ऐसी जब शुरू में लगती है तब तो भाई बहुत ही शानदार एकदम सुंदर होती है थोड़े सालों में बारिश के टेम्परेचर बारिश के माहौल में मतलब और ह्यूमड एनवायरमेंट में क्या हो जाता है कि ये सारी चेयर जो है धीरे धीरे लाल 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 होने लगती है एक पॉइंट पे तो टूट फूट जाती है इतना भारी नुकसान हो जाता है ठीक है तो यहां पे भी वही चीज हुई अब आयरन जो है वो किसी और सब्सटेंस में बदल गया है और इसकी प्रॉपर्टी एकदम ही अलग हो गई है देखो ये जो नेल है अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो थोड़े टाइम में ये बिखरने लग जाएगा एकदम कमजोर हो जाएगा तो जो सब्सटेंस पहले था मतलब आयरन और जो रिएक्शन के बाद बना ये जो लाल लाल चीज है इन दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अलग अलग है तो चूरे चूरा जैसा होता है ठीक है समझ में आई बात तो हमने ये दूसरा एग्जाम्पल देखा है ना इसको रखते हैं अब अपन देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल और भी ज्यादा कॉमन जिसके पीछे हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं खाना ठीक है अब उसमें मैं एक बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूं क्या लेके आया हूं भाई ये मैं लेके आया हूं एक आपके लिए मतलब मेरे लिए आपके लिए तो क्या पेस्ट्री ठीक है इसको अपन खाते हैं क्यों खाते हैं बताता हूं खाए पक्का रेडी हम्म तो पेस्ट्री मैंने खाई थोड़े दिन पहले मेरे घर पे भी केक बना था किसी का बर्थडे था पर ये जो पेस्ट्री है ना इसमें एक फ्लफी फ्लफी सा फूला फूला सा एक नेचर है आपने भी नोटिस किया होगा कि इसकी जो ब्रेड रहती है ना वो काफी फैली रहती है जैसे किसी ने इसमें से हवा छोड़ दी हो ऐसा लगता है पर मेरे जो घर पे केक बना था वो तो इतना अच्छा बना ही नहीं था मतलब स्वाद में वो बहुत ही अच्छा था ठीक है स्वाद में वो काफी अच्छा था पर यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है जो नेचर था जो ब्रेड थी वो फूली फूली थी तो ऐसा क्या हुआ तो ये बहुत ही कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस है चाहे वो केक बनाना हो केक में आप देखना अपनी मां से पूछना या जो भी आपके घर पर केक बना रहे हैं आप फिर खुद भी बना रहे हो तो आपको इंग्रेडिएंट्स में एक बेकिंग पाउडर नाम की चीज मिलेगी वो जो बेकिंग पाउडर है वो कुछ केमिकल रिएक्शन करता है आपने मान लो मैदा लिया कुछ कुछ जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने केक बनाने के लिए जब फाइनल हमारा केक बनता है तो केक का जो इनिशियल केमिकल कंपोजिशन था वो फाइनल से अलग होता है कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन यहां पे हो गया है फाइनल कंपोजिशन चेंज हो गया है जिसके कारण केक इतना फ्लफी फ्लफी और इतना फूला सा मस्त वाला इसका टेक्सचर होता है ठीक है तो ये एक बहुत कॉमन लाइफ एक्सपीरियंस है ठीक है ना इसके अलावा क्या है कि आप अगर किसी भी खाने को डीप फ्राई कर रहे हो तल रहे हो उसमें घी और तेल डाल रहे हैं तो बहुत सारे वहां पर रिएक्शन हो जाते हैं जो खाना पहले था वो बाद में कुछ और हो जाता है मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है वापस से हमने यही चीज देखी कि इनिशियली हमने कोई सब्सटेंस लिया फाइनल रिएक्शन होने के बाद कुछ अलग सब्सटेंस बना जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग है ये कितने एग्जांपल हुए अपने तीन एग्जांपल अपन ने देखे अगला एग्जांपल पे चलते हैं नेक्स्ट वो आपको ऑब्जर्व नहीं होता क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होता है पर होता तो है क्या ऐसा प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं आपने खाना खाया मान लीजिए आपने वही पेस्ट्री खाई अब वो बॉडी के आपके अंदर चला गया या फिर अपन इससे बेटर एग्जाम्पल जो सबको ज्यादा पसंद होती है चॉकलेट मान लीजिए आपने गार्डन में खड़े हैं भैया चॉकलेट लेके गए मस्त नजारे देख रहे हैं और ये चॉकलेट खा रहे हैं ठीक है अब ये चॉकलेट आपकी बॉडी के अंदर जाएगी क्या आपकी बॉडी के अंदर जाके भी ये चॉकलेट ही रहती है क्या नहीं इसका डाइजेशन हो जाता है और ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है यहां पे भी आप देख रहे हो ये आग जलने से डरना मत ये सिर्फ ये बताने के लिए कि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है आप खाना खाते हो तो वो आपको एनर्जी तो देता है वही दर्शाने के लिए यहां पे ठीक है तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है कि जो हमने खाना खाया बात समझना कि जो हमने खाना खाया यहां पर चॉकलेट खाई वो बॉडी में गई कुछ कुछ रिएक्शन हुए और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई सब्सटेंस चेंज हो गया तो ये एक और एग्जाम्पल है ठीक है ना एक लास्ट एग्जाम्पल कंबस्टन ऑफ फ्यूअल आपके व्हीकल में भाई आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में बैठते हो एक्टिवा मोटरसाइकिल कार जो भी आपके है ठीक है आप देखो जब आपने उसमें डाला तो या तो पेट्रोल या डीजल पर आपने ये देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो बाहर तो आता है धुआं डाला था पेट्रोल डीजल पर बाहर आ रहा है धुआं तो ये वापस से आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो गया ठीक है भाई डाला तो आपने पेट्रोल या डीजल ही था पर बाहर क्या आता है जब गाड़ी जाती है तो धुआं छोड़ते हुए जाती है इतना नहीं छोड़ती है रिप्रेजेंटेटिव है पर आपको पता तो है कि धुआं निकलता है और अगर इतना छोड़ रहे हैं ना आपकी गाड़ी धुआं तो उसको पोल्यूशन कंट्रोल चेक करवा लेना वरना बहुत पोल्यूशन होने वाला है एनवायरमेंट में ठीक है तो यहां पे भी हुआ हमने डाला पेट्रोल डीजल था और निकला धुआं मतलब सब्सटेंस चेंज हो गया है वापस से केमिकल रिएक्शन हो गया है तो हमको अभी जो फील आ रही है ना केमिकल रिएक्शन की जो हमारे अंदर से इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद जो हमारी फील्ड डेवलप हो रही है वो क्या हो रही है हमारी फील्ड डेवलप ये हो रही है कि जब भी एक केमिकल चेंज अकर हो रहा है पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं कि यार कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ होगा तभी तो कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है अब ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन से मेरा मतलब क्या है उसको समझते हैं देखो वो प्रोसेस हो रहा है हमने इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझा कि यहां पे कोई ना कोई नया सब्सटेंस बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टी नई है जैसे दूध फटके एक नया सब्सटेंस बना और उसकी नई प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका टेस्ट अलग था नॉर्मल दूध से ठीक है केक पहले तो वो मैदा वगैरह इन सबसे बना था पर जब हमने उसको खाया तो इतना फ्लफी फ्लफी वैसा था यह हमारे पास आयरन का जो नेल था वो एकदम शुरू में ग्रे ग्रे था फिर बाद में उसका कलर चेंज हो गया या फिर उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई वो आयरन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था या फिर बाकी जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे पेट्रोल का धुएं में कन्वर्ट होना हो चाहे वो ठीक है तो ये बातें हमने सारी देखी आपको बात समझ में आई है ना अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर देखो आपने ये जितनी भी सारी चीजें बताई दूध हो आयरन का नेल हो इन सब में तो हमने पहचान लिया कि हाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है पर अब अगर हमारे सामने तो दुनिया में इतने सारे एग्जाम्पल आ रहे होते हैं हमारी लेबोरेटरी में स्कूल की कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसके अलावा आप ही बताओ हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है हम्म सवाल अच्छा है तो हमको कोई भी एक सामने हमारे को चेंज हो रहा है तो ये पहचानना आना चाहिए कोई ना कोई हमारे पास ऐसा इंडिकेशन होना चाहिए कि यार हो सकता है कि यहां पे एक केमिकल चेंज हुआ हो एक केमिकल रिएक्शन हुआ हो वो ही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमको कैसे पता लगेगा कि भैया एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही देखेंगे कि मैं आपको कुछ एक पैरामीटर्स बताऊंगा हम लोग कुछ एक पैरामीटर्स को समझेंगे अच्छे से कि वो होते हैं वो पैरामीटर्स अगर होते हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार कोई ना कोई यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो चलो चलते डाउनलोड ई सरल ऐप Learning made simple for class 10th, J and NEET.